निगेटिव थॉट्स को डील कैसे करें, इसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। हमारे यहाँ काफ़ी लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, ऑनलाइन पूछताछ करके हम दवाई भेजते हैं लोगों को। वीडियो कॉल होते हैं, ऑडियो कॉल्स होते रहते हैं, और नंबर जो नीचे दिए हुए वहाँ आप हमें कंसल्टेशन कर सकते हैं। कॉमनली जो लोग सवाल पूछते रहते हैं, वो सवालों में आता है निगेटिव थाट्स जो है उसको कैसे डील करें, उसको कैसे कंट्रोल करें। इसके बारे में सवाल लोगों के आते हैं कि बार बार विचार आते हैं, बार बार निगेटिव विचार आते हैं, टेंशन के विचार आते हैं, डर के विचार आते हैं, और फिर उसको डील करना नहीं आता, फिर बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखो, थॉट्स जो है वो हमारी जो मशीनरी है ब्रेन की, वो पैदा करती है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो पैदा करता है, ये नेचुरल है। अंदर थॉट्स पैदा होते ही रहते हैं। मशीनरी का काम क्या है? थॉट्स पैदा करना। टोस्टर का काम क्या होता है? ब्रेड को टोस्ट करना। वॉशिंग मशीन का काम क्या होता है? कपड़े धोना। वैसा है थॉट मशीनरी, इसका काम क्या है? थॉट्स पैदा करना। तो ये मशीनरी थॉट पैदा करती है, और थॉट जो आते हैं वो आते हैं हमारे पास्ट के भरोसे पे। पास्ट में जो भी कुछ है उसके बारे में आते रहते हैं, होंगे भविष्य के बारे में भी, मगर आते हैं वो पास्ट से। पास्ट हम रखते हैं भविष्य में, और वहां से फिर थॉट्स हमको आते रहते हैं। तो फिर प्रॉब्लम नहीं है कि थॉट्स आए। क्या होता है कि थॉट्स आने के बाद में उसके साथ में हम इमोशन अटैच कर देते हैं, और एक बार इमोशन अटैच कर दिए कि वो बनता है बिलीफ, विश्वास, और वो फिर हमको तकलीफ देते रहता है। बहुत लोगों का विश्वास है। विश्वास कैसे बनता है? थॉट्स आते हैं, कुछ घटना होती है, उसके साथ में हम इमोशन अटैच कर देते हैं। हम बोलते कि नहीं, वो सही है, जो हो रहा है वो एकदम सही है, उसको हम और इम्पोर्टेंस देते हैं, महत्व देते हैं, और वो एक बिलीफ बन जाता है। तो हमने क्या करना है? एक तो थॉट्स आ गए तो उसमें गिल्ट नहीं रखना चाहिए कि भाई गिल्टी लग रहा है, अपराध बोध की भावना है, बिल्कुल नहीं, नंबर एक। नंबर दो, थॉट्स को सप्रेस नहीं करना चाहिए, दबा नहीं देना चाहिए। थॉट्स को दबा दिया तो फिर क्या होता है? वो वहीं पड़े रहेंगे और फिर कभी कभी बाहर आएंगे। तो थॉट्स को दबा देने का नहीं है, थॉट्स को सप्रेस करने का नहीं है। थॉट्स आ रहे तो आने दो, इग्नोर भी नहीं करने का है, आने दो। क्योंकि इग्नोर करना मतलब फिर आप कुछ तो भी एक्टिवली कर रहे हैं इग्नोर करने के लिए, तो उसको इग्नोर भी नहीं करना। उसको आ रहे आने दो, उसको पड़े रहने दो, आ रहे दो। क्या आप थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हो? देखो, थॉट्स आ रहे, थॉट्स जा रहे, थॉट्स आ रहे, थॉट्स जा रहे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? मशीनरी है, मशीनरी अपना काम कर रही है। क्या होता है कि अनरियल थॉट है, खोटे है, थॉट्स खरे नहीं है, मगर हमने यदि वो सप्रेस कर दिए, हमने उसको इमोशंस अटैच कर दिए, हमने उसको रेजिस्ट किया कि नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, तो वो रियल बनते जाता है। तो हमको आज से क्या करना है? जो भी निगेटिव थॉट है, वो निगेटिव थॉट्स को जस्ट एज ए थॉट उसको देखना है, जस्ट एज ए थॉट। वो थॉट आ रहा है मशीनरी से, वो मेरा थॉट नहीं है, मैंने थॉट वो लाया नहीं है। मैंने जब लाया नहीं है तो मैं उसको समाप्त भी नहीं कर सकता हूँ, निकाल भी नहीं सकता हूँ। वो आ रहा है ऑटोमेटिकली, वो जाएगा ऑटोमेटिकली। मैंने उसको कोई महत्व देने का नहीं है, उसको सप्रेस करने का नहीं है, उसको गिल्ट अटैच नहीं करना है, उसको इमोशंस अटैच नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अब एग्जांपल लो हाथ धोने का। लोगों को बार 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 विचार आते कि हाथ धो, हाथ खराब है, हाथ खराब है, हाथ धोना चाहिए, हाथ धोना, बार बार ऑब्सेशन आता है। वो उसको बहुत इमोशंस अटैच कर, नहीं हाथ नहीं धोए तो क्या होगा, हाथ नहीं धोए तो भगवान कुछ तो भी बोल देगा, हाथ नहीं धोए तो कोई बीमारी हो जाएगी, हाथ नहीं धोए तो HIV हो जाएगा, उसको और कुछ तो भी महत्व लगा देते और फिर उनको हाथ धोना ही पड़ता है। हाथ धोने के विचार आ रहे, ओके, वो विचार है, हाथ धोने का वो एक विचार है, हाथ खराब है वो एक विचार है, भगवान के बारे में बुरे 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 विचार आ रहे, वो सही नहीं है, वो एक विचार है। साफ सुथरा नहीं है घर, धोना पड़ता है बार बार, विचार है। उसको एज ए विचार करके उसको देखो, जैसा वो बाहर आप है, आप अपने बॉडी से बाहर है, बाहर से देखो कि वो बॉडी में विचार आ रहे हैं। उसके साथ में आप कंफर्टेबल हो जाओ, विचारों के साथ में डिस्कम्फर्ट नहीं करने का, जैसा कोरोना का था। कोरोना में बोले बहुत लोगों को विचार, कोरोना है, कोरोना है, कोरोना हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा, मर जाएंगे, पर इतने पेशेंट डायर हो गए कोरोना के वजह से, डर के मारे उन्होंने उसको इमोशंस अटैच कर। अब कोरोना है, कोरोना है, और कोरोना अपने को आ सकता है। लोगों का डर बहुत निकल गया, अभी भय निकल गया है, उसको महत्व देना लोगों ने भी छोड़ दिया है। भले बहुत ज़्यादा पेशेंट निकल रहे, मगर अभी महत्व देना छोड़ दिया लोगों का, डर कम हो गया। अभी आ रहा है तो कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है वैसा वो आ रहा है, बस इतना ही है, बाकी उसका कुछ महत्व है नहीं। तो कोरोना का भी डर निकल जाए। कोई भी निगेटिव थॉट्स जो है
उसको इमोशंस अटैच नहीं करना है, उसको एज ए थॉट पड़े रहने देने का है, उसको कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने का नहीं है, और फिर वो आप ही गायब हो जाएगा। हमारा ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, डॉक्टर केवेकरिया नाम का। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर आप लोगों को शेयर करो, लोगों का भला हो जाएगा, लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। जिनको OCD है ना उनको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, जिनको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होता है ना उनको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो सभी वो आपके दोस्तों को शेयर करो जिनको ओवर थिंकिंग है, डिप्रेशन है, OCD है, फोबिया है, उनको फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।